सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है ताकि छंट कर वो और फल दे। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। डाली अपने आप में फल नहीं दे सकती, वो तभी फलेगी जब दाखलता में बनी रहेगी। उसी प्रकार तुम भी फलोगे नहीं जब तक मुझ में न बने रहें। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में न बना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और ये डालियां बटोर कर आग में झोंकी जाती है और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा तुम्हारे फल लाने से प्रकट होती है, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा मैंने तुमसे रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैंने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा तुम एक दूसरे से रखो, और इससे बड़ा प्रेम नहीं कि तुम अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दो। तुम मेरे मित्र हो यदि मेरी दी हुई आज्ञाओं को मानो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी जो मैंने पिता से सुनी। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि मेरे नाम से तुम पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें देगा। तो फिर मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो।